दोस्तों, जीवन में सफलताएं और असफलताएं तो मिलती रहेंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको हर वक्त प्रयत्नशील रहना है, गतिशील रहना है। एक वक्त पर एक कदम काफ़ी है और फॉरवर्ड मार्च होना चाहिए। दैट्स इट, बस देर सवेर आपको सफलता मिल ही जाएगी। रही मेरी बात, तो मेरी मंजिल तो आप लोग हैं और हमेशा की तरह आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अपने पिछले एपिसोड से मैं एक नए सेक्शन की शुरुआत कर चुका हूँ जिसका नाम है कैंडिड कॉन्वर्सेशन। और इस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम बुलाते हैं कुछ खास मेहमानों को, कुछ खास दोस्तों को, जिनके साथ हम लोग कॉमिक्स जगत से जुड़ी हुई भिन्न भिन्न बातों पर चर्चा कर सकें। और एक बिंदास चर्चा होती है जहाँ पे हम लोग खुल के अपने विचार सामने रखते हैं और आदान प्रदान करते हैं विचारों का। तो पिछले एपिसोड में हमने बुलाया डॉक्टर पीयूष कुमार को, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है। साफ शब्दों में कहूँ तो एक ENT स्पेशलिस्ट हैं, वो उनका स्पेशलाइजेशन है। और साथ ही वो एक पब्लिश्ड ऑथर भी हैं। जी हाँ, उनकी एक फिक्शन बेस्ड नॉवल ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी है। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको आपको मेरे इस वीडियो के डिटेल्स में मिल जाएगा, वहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। और साथ ही इन दोनों चीज़ों के साथ वो एक बहुत बड़े कॉमिक्स प्रेमी भी हैं। तो जो कीड़ा आपको और हमको लग चुका है कॉमिक्स वर्ल्ड का, तो उससे वो भी अछूते नहीं है। तो पिछले एपिसोड में हमने उनसे बात करी राज कॉमिक्स से जुड़े हुए दो अहम इश्यूज़ की, जिन पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है। एक था कि राज कॉमिक्स का पिछले साल वापसी के बाद से रीप्रिंट्स के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना, और दूसरा था उनकी कॉमिक्स का ओवर प्राइस्ड होना। तो हमारा जो आज का एपिसोड है वो हमारे पिछले वीडियो का दूसरा और अंतिम भाग है। और अपने आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तीन और अहम मुद्दों पर। वो मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा, आईफोन सिंड्रोम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आईफोन को लेकर जो दीवानगी है लोगों में द वर्ल्ड ओवर, वो किस लेवल पर है। तो उसी की एक छाया हमें देखने को मिलती है हमारे इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में, जो कि कहने को एक छोटी सी दुनिया है, बट वहाँ भी वो पागलपन हमें दिखता है। जहाँ पे एक ही कॉमिक्स के भिन्न भिन्न वेरियंट्स को लेकर भी फैंस कुछ कम पागल नहीं है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा है मेलिग्नेंट कैंपेनिंग, अर्थात कैंप ए का कैंप बी को लेकर, और कैंप बी का कैंप ए को लेकर ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाने का जो ये स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा और अंतिम इशू जो है वो है इनकम्प्लीट सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, ये इनकम्प्लीट सीरीज़ ने हम फैंस लोगों को काफ़ी परेशान किया हुआ काफ़ी टाइम से, बिकॉज हम इस कोशिश में लगे रहे कि हमें जो अधूरी कहानियाँ रह गई हैं वो कभी ना कभी पूरी मिलेंगी, हम उसको जान पाएंगे कि उसका क्या कंक्लूजन रहा, किस मोड़ पे आकर वो कहानी ख़त्म हुई। बट फिलहाल ऐसा लगता है कि वो हमारा इंतज़ार थोड़ा कुछ और लंबा चलेगा, उसी पर हम बात करेंगे अपने आज के इस एपिसोड में। तो चलिए, आइए फिर जल्दी से संपर्क स्थापित करते हैं डॉक्टर पीयूष कुमार से और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए कंप्यूटर जी, जरा फोन लगाइए डॉक्टर साहब को। ओहो अहो भाग्य हमारे। नमस्कार गुड डॉक्टर इवनिंग, साहब, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? थोड़ा बस सब ठीक, एक बार फिर सा मौका गैप मिल ज्यादा हो गया। गया बस ऐसे ही चल रहा था, थोड़ा कभी आप बिजी कभी मैं बिजी, बट फाइनली चलो जी, देर आए बिल्कुल। दुरुस्त आए। हाँ तो डॉक्टर साहब, मतलब मैं थोड़ा सा भूमिका पहले बांध चुका हूँ। मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको जैसे कि पता ही है कि इस चर्चा में हम दो अहम मुद्दों पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये हमारा दूसरा भाग है और अंतिम पड़ाव है उसी चर्चा में। तो बिल्कुल जो नेक्स्ट तीन इश्यूज हैं उसके बारे में फटाफट से बात जरा कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा सा फनी टॉपिक है मतलब टॉपिक सीरियस है और थोड़ा एक फनी टेक देना जरूरी होगा, अदरवाइज चीजें कुछ जी ज्यादा सीरियस हो बिल्कुल जाएंगी। तो जी आईफोन सिंड्रोम का मैंने इसको नाम दिया है, मतलब आईफोन सिंड्रोम इसलिए कि आईफोन को लेकर जो दीवानगी है, मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, किसी एक जी पर्टिकुलर कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। हम सब जी जानते हैं किस तरह से लोग मतलब दीवानगी की हद तक, मतलब रात को 12 बजे से लाइन लगाना शुरू कर देंगे एप्पल स्टोर के आगे,
कि सुबह पहला मतलब पहली फुर्सत में उनको वो नया हैंडसेट चाहिए चाहिए। तो उसी की तर्ज पे अगर आप मतलब कंपेयर करें मतलब उनके चाइनीज जो काउंटर पार्ट हैं, तो उनके जो रेडमी और एमआई के फोन हैं, तो उसमें भी मतलब ये रेडमी रेडमी नोट 9 रेडमी नोट 9 प्रो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स अल्ट्रा मतलब नेवर एंडिंग है, चलता रहता है। तो इसी का अगर हम मतलब कॉमिक्स के संदर्भ में अगर इसको समझे तो ये कुछ इस तरह से ही है। तो ये क्या है मतलब ये जो दीवानापन है एक ही तरह की चीजों को भांति भांति से लाना मार्केट में जी। और जो बायर्स हैं हम लोग जो ये कॉमिक्स खरीदते आए हैं और खरीद रहे हैं मतलब किस तरह से देखते हैं आप इस दीवानेपन को इस पागलपन को? देखिए मेरा ये कहना है कि एक टाइम था जब हम कॉमिक्स खरीदते थे पढ़ने के लिए स्टोरीज और आर्ट और बस, उससे ज्यादा हम सोचते नहीं थे क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे, कभी कभार बस उतने में मन भर जाता था, बट आज वैसा नहीं होता है। तो बहुत सारे कॉमिक्स आई और अलग अलग पार्ट्स में आई, तो लोग चाहते हैं कि सब एक साथ ऐसे कलेक्टेड हो जो कि देखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे और देख के ऐसे प्राउड वाली फीलिंग आए कि भैया हमारे पास ये है। तो इसको मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि जैसे जब आरसी अलग हुई तो संजय सर ने युगारंभ शुरू किया था, तो उनका युगारंभ तो कॉमिक्स को लेकर था कि नए तरीके से नई अच्छी कॉमिक्स नई स्टोरीज और ये होगी, बट ये युगारंभ कुछ और हो गया और ये कलेक्टर्स एडिशन का युगारंभ हो गया। फैंस के लिए ये ऐसा हो गया कि कॉमिक्स की स्टोरी तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ हमें अलग अलग टाइप की कलेक्टर्स एडिशन भी चाहिए, एक जो कि सिर्फ हार्ड बाउंड हो, किसी में स्लिप केस हो, किसी में जैकेट कवर हो, किसी के साथ कुछ नोवेल्टीज मिले, किसी के साथ कुछ और ज्यादा नोवेल्टीज मिले। तो यू नो इट्स नेवर एंडिंग द डिमांड। पेपर बैग, आप पेपर बैग का समझ में आता है, पेपर बैग इज डिफरेंट, ठीक है, नॉर्मल कॉमिक्स होती है, कलेक्टर्स एडिशन आई मीन एज द नेम सजेस्ट कलेक्टर्स एडिशन, उसमें आपको बिल्कुल यू लुक फॉर थिंग्स विच आर वर्थ कलेक्टिंग, ठीक है। yes, आपको एक हार्ड बाउंड कॉपी मिल जाती है जो कि दिखने में बहुत अच्छी लगती है, आप उसको सजा के रख सकते हैं, उसके साथ आपको वो स्वर्ण पृष्ठ मिल जाते हैं, स्वर्ण पृष्ठ उसमें अलग अलग जानकारियां होती है, वो अच्छी बात है, मतलब हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको इतने सारे नॉवल्टीज वगैरह मिलते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, मैंने आईफोन सिंड्रोम इसलिए बोला क्योंकि आईफोन में क्या होता है कि एक थोड़ा सा कुछ अपग्रेड करके आते हैं, हल्का सा, जिसमें माइनर सा कुछ अपग्रेडेशन होता है और उसको नए मॉडल नाम से मार्केट में उतारते हैं, लेकिन दीवानगी लोगों में इतनी है कि उनको उसको अपग्रेड करना है उसी लेवल तक। पुराने फोन में जो भी साल भर ही पुराना होगा, साल भर भी नहीं पुराना होता, छह महीने में, हाँ, उनको उसमें अपग्रेड करना है, हालांकि जो अपग्रेड जिस चीज कर रहे हो खास अंतर पैदा नहीं करता है, कोई खास फर्क नहीं। यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि पीबीस के बाद, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दू, मेरा शुरुआत पीबीस पे फोकस था मेरा, उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब ये कलेक्टर्स एडिशन पे फोकस करते हैं, दिखने में अच्छी लगती है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं कलेक्टर्स एडिशन खरीदना शुरू किया। बट अभी जो नया जुनून आया है, कलेक्टर्स एडिशन के अंदर भी अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, डीलक्स और प्रीमियम एडिशन हमको पता ही है, तो मैं उसी संदर्भ में मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा है ना कि डीलक्स एडिशन और प्रीमियम एडिशन और अल्ट्रा प्रीमियम एडिशन तो दूसरी चीज है, वो थोड़ा हम जैसे फेसबुक की भाषा में हम बोलते हैं कि एक सिंपल गरीब आदमी का एडिशन होता है, एक मिडिल क्लास का जुनूनी एडिशन होता है, एक अपर क्लास का अल्ट्रा जुनूनी एडिशन होता है। तो अब वो देखिए सब कहने वाली बातें घुमा फिरा के, लास्ट में पॉइंट ये रह जाता है कि आप कब तक डिमांड रखोगे, और जब तक आप डिमांड रखते जाओगे तब तक वो डिमांड फुलफिल होती जाएगी। इट्स अ डिमांड ड्रिवन मार्केट, एंड जो पब्लिशर है वो क्या करेगा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक बिजनेसमैन है। बिल्कुल भाई, एज लॉन्ग एज देयर इज अ मार्केट, ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज अ डिमांड, वो कुछ ना कुछ तरीके से उसको फुलफिल करने के लिए काम करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मतलब बुलाएंगे। हाँ, अब बात यह कि उनको कितना बनाना है, ऑब्वियसली दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन हाउ द मार्केट रिस्पॉन्ड्स आफ्टर अ टॉप पॉइंट, मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट कब आता है। जी जी, अगर इसको हम लेमन टर्म में समझे तो जो शुगर केन मेकर्स होते हैं,
आई एम श्योर हम में से सभी लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में किसी ना किसी पॉइंट पे गन्ने का जूस पिया होगा, और हर इंसान जिसने गन्ने का जूस पिया है वो गन्ने का जूस निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना उससे भी वाकिफ होता है, क्योंकि मशीन सामने होती है। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा ना, वो फर्स्ट एक दो टाइम जूस नहीं निकलता है ढंग से, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें से जूस फ्लो होना शुरू होता है तो पता लग जाता है कि इंटरेस्ट है। और दूसरी या तीसरी बार जब उसको आप मिल्क करते हो फिर से डालते हो मशीन में तो बहुत मतलब जूस निकलता है। तो गन्ना वाला जो होता है मतलब ही फॉल फॉर इट कि तीन चार बार और डालूंगा तो कुछ और निकल जाएगा, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि लास्ट में मोलसिस ही रह जाता है कि मतलब वो फिश पार्ट रहे जूस खत्म हो जाएगा। तो हम क्या गन्ना है, आप हम गन्ना ही है, ठीक है, हम मार्केट है, हम डिमांड है, और पब्लिशर्स देख रहे हैं कि कब तक हमें जूस यानी मनी बाकी है। तो वो वॉलेट वॉलेट झाड़ते झाड़ते वो लास्ट में चिल्लड़ी बच जाएगी, वो भी सर पे गिरेगी और तो चोट लगेगी फिर। देखिए वही है, अगर हम इस चीज को मतलब हम थोड़ा लाइट वे में ले रहे हैं, बट मतलब इट्स अ फैक्ट कि आई थिंक मतलब आई एम वन विद यू जब आपने कहा कि इट्स अ डिमांड ड्रिवन मार्केट, तो दारोमदार हम पर है। हाँ हाँ एकदम, हम जैसी डिमांड कर रहे हैं। अब राज कॉमिक्स में इतनी सीरीज आई है, इतनी अच्छी अच्छी कॉमिक्स आई है, कुछ तो सीरीज में है भी नहीं, पब्लिक उनकी भी कलेक्टर्स एडिशन की डिमांड कर रही है, व्हाट इज द पॉइंट। अगर आप एक तिरंगा की और भेड़िया की कॉमिक्स को ले लो टू इन वन, और आप साथ में एक तिरंगा की परमाणु की कॉमिक्स की टू इन वन ले लो, आप एक साथ में इंस्पेक्टर स्टील और भेड़िया की कॉमिक्स की ले लो और आप इसकी सीरीज बना लो, तो इससे आपको क्या अचीव कर लोगे आप, व्हाट इज द पॉइंट। कोई मतलब शुरुआत करने का पॉइंट ही नहीं है। It will take There only your space. That's it. अगर या तो हम ये मानेंगे कि तिरंगा और भेड़िया का सपोज कोई एक स्पेशल सीरीज शुरू हुई थी, जैसे ran for about 6 to 7 कॉमिक्स, तो उसको बना दो भी चलेगा, जैसे डोगा की और एंथोनी की मर्दर मुर्दा और ये अंधी मौत सीरीज आई, ठंडी आग सीरीज आई, तो आप उसको एक बना दो चलो ठीक है, दैट इज ओके। कोबी भेड़िया और डोगा की आई सीरीज सावधान डोगा और वो वाली आपकी कोबी भाई सीरीज, आप उसकी कलेक्टर सीरीज बना सकते हो, दैट इज ऑल वेल एंड गुड, बट जो कंबाइंड स्टोरीज नहीं है व्हाट इज द पॉइंट, जस्ट बिकॉज के हम उसको खरीद के लोगों को दिखा सके कि भैया हमने ये खरीदी है, यार फिर इसका तो कोई अंत नहीं है ना। आई मस्ट से कि आप मानते जाओगे आपको मिलता जाएगा कल्प वृक्ष, मतलब गुल मिला के दारोमदार इस एक सेंटेंस में आके टिक गया है कि पब्लिशर समझदार या जनता जल्दबाज। जनता जल्दबाज मेरा ये मानना मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे जैसा विदेशों में होता है, आई थिंक ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को वेस्टर्न कल्चर से ये नहीं होना चाहिए इंस्पायर, बट होना चाहिए, जब आपको उससे कुछ अच्छा सीखने को मिले तो इंस्पिरेशन इज नॉट बैड। जैसे वहां हम देखते हैं कि जनरली 3 या 4 टाइप की कॉमिक्स की कलेक्टर्स आती हैं, जैसे एक तो टीपीबी होती है, एक ओमनिबस होती है जिसमें एक पूरी सीरीज को उन्होंने जोड़ के बनाया होता है, उसमें इट्स अ गुड हार्डबैक कवर, रियली गुड उसका बाइंडिंग होता है और साथ में उनके ऊपर जैकेट कवर होता है, अंदर भी कुछ कभी कभार किसी किसी कॉमिक्स में बढ़िया आर्ट रहता है जो हार्ड बाउंड रहता है उसके ऊपर, देन यू गेट इंट्रोडक्शंस बाय डिफरेंट ऑथर्स आर्टिस्ट्स, यू गेट कंसेप्ट आर्ट्स विच इज रियली गुड। हाँ उसके साथ कोई नॉवेल्टी नहीं मिलती है, चाहे वो 10,000 की ओमनिबस क्यों ना हो, बट आपको नॉवेल्टीज और सॉरी टी शर्ट्स दिखा के वो नहीं बेचते हैं, उन्होंने बना रखी है वहां कहानी आपको, बिकती है बिल्कुल आपको आपको बना रखी है उन्होंने, आपको लेनी है तो लो वरना ना लो उनको इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फंडा वहां भी है बट विद अ ट्विस्ट, विद अ ट्विस्ट वो लोग कहानी के दम पे बेचते हैं। हाँ, यहाँ पर तो कहानी में क्यों होता उसको, हाँ, दो कहानी को एक साथ ले आओ और नॉवेल्टी के दम पे उसको बेचो। हाँ, तो आई थिंक तो मतलब वो फंडा चलना चाहिए वहां पे भी, एंड आई थिंक सबके पास ये ऑप्शन होना चाहिए, जिसको टीपीबी लेनी है वो टीपीबी लेता है, जिसको ओमनी लेनी है वो ओमनी लेता है सब। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही अच्छे कलेक्टर्स हैं और उनकी उनकी कॉमिक्स रैक देख के मन करता है कि ये उठा लो, बट सब अपने अपने हिसाब से, कोई एपिक कलेक्शन रखता है, कोई ओमनीबस रखता है, कोई टीपीबी रखता है। ये जनता है जो थोड़ी सी जल्दबाज है, मतलब पब्लिशर को समझदारी से चल रहा है, पब्लिशर क्या कर रहा है वो पैटर्न नोटिस करता है, वो सोशल मीडिया पे देखता है किस तरह की ग्रुप फॉर्मेशन हो रही है, चार लोग बोलते हैं कि हमें इस तरह की हमें सीई ला दो, तो
तो वो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं पैटर्न बन रहा है, ग्रुप्स बन रहे हैं और कंसिडरेबल डिमांड्स आ रही हैं किसी एक चीज को लेकर, वो तुरंत उसको उतार देते हैं। वो भी मतलब दे डोंट फॉलो लॉजिक, वो देख रहे हैं कि मतलब इतने से एक अशोर्ड अमाउंट वापस आएगा इस कॉपी में इन्वेस्ट करने से, वो उसको लेके आ रहे हैं मार्केट में। और ये बिल्कुल बिल्कुल आपका आईफोन सिंड्रोम नाम लास्ट में बहुत ही सही बैठता है, क्योंकि ठीक आईफोन की तरह प्री ऑर्डर कर दो और रात भर लाइन लगा के बैठे रहो, वैसे यहाँ पे प्री ऑर्डर कर दो और महीनों महीनों वेट करते रहो कि जब आपकी सी आएगी तो आपके पास पहले पहुंचेगी और फिर आप उसको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। मैं किसी को क्या बोलूं, इवन आई एम वेटिंग, मतलब इवन दो वी आर डिस्कसिंग बट हियर वी आर चर्चा को यही विराम देते हैं, क्योंकि इसका लॉजिक जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि वी आर द वंस इट्स आर डूइंग, ठीक है, वी हैव नो वन एल्स टू ब्लेम, हम किस पे उंगली उठाएं, मतलब ऐसी वाली बात है। एक पब्लिशर पे है, धीरेन्द्र भाई आपकी वजह से हो रहा है। It's all because of you. चलिए, अब पता नहीं आपकी हंसी कितनी देर तक रह पाएगी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इशू आ गया है। इट्स अबाउट मैलिग्नेंट कैंपेनिंग। ये टर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि हमने अक्सर नोटिस किया है कि ये यूजली कॉर्पोरेट्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे जो कंपीटिंग ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं, वो एक दौर ऐसा आया था पास्ट में जब वो काफी हद तक मैलिग्नेंट कैंपेनिंग अर्थात मतलब बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल करना जो कि ग्रेसफुल ना हो, और डायरेक्ट अटैक करते थे दूसरे ब्रांड्स पे। तो बीच में फिर ऐसी एक मतलब रेगुलेटरी बॉडी आई, उसका जन्म हुआ, जो कि जिसने एस्टैब्लिश किया कि नहीं मतलब देयर हैज टू बी सम एथिक्स। तो वही चर्चा है, मतलब अब यहाँ पे हमने देखा है कि जो एक फैमिली थी पास्ट में, एक फैमिली रन कॉमिक्स बिजनेस था पब्लिशिंग का, कॉमिक्स पब्लिशिंग का, तो वहां पे जब उसके मतलब हिस्सेदारी हुई, मतलब अलग अलग कैंप्स बन गए, कैंप ए कैंप बी वर्सेस कैंप सी, विच मींस थ्री गुप्ता ब्रदर्स, ठीक है। तो ये जो मतलब द वे दे हैव बीन वॉशिंग देयर डर्टी लिनेंस इन पब्लिक, मतलब हाउ जस्टिफाइड इज इट, मतलब एज अ फैन मुझे तो दुख होता है, मतलब जिनको हमने अडोर किया बचपन से देखते आ रहे हैं, वी हैव ऑलवेज सीन देम एज वन, हमने उनको कभी अलग होके नहीं देखा, उनको इसी तरह से देखा कि एक भाई लेखक है, एक भाई दूसरा भाई भी लेखन के कार्य में मतलब शामिल है काफी हद तक, तीसरा भाई एडिटिंग करता है, तो वी सॉ ऑल द क्रिएशंस प्रोड्यूस्ड बाय वन गुप्ता फैमिली। यस, उनको हम तीन हिस्सों में नहीं देखते थे। आज की डेट में अगर आप रियल फैन की बात करें, मतलब मैं नहीं जानता कि मैं कितना रियल हूँ, कितना कैसा फैन हूँ, बट सिंपली ऐसा फैन बात करूं तो मुझे दुख होता है कि ये सब बातें हो रही है। देखिए, दुख तो होना पड़ता है, बिकॉज जब हमें कुछ पता नहीं था और हम सिर्फ कॉमिक्स पढ़ते थे, तो इट वाज लाइक कि ठीक है, हम कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आ रही है, सब ठीक है, नॉर्मल है। बट जब फेसबुक पे ग्रुप्स बने आरसी के, और फिर डिवीजन हुआ, तो डिवीजन के टाइम के पहले और उसके बाद का टाइम बहुत ही इन सब चीजों से भरा पड़ा था, कि एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अलग अलग तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और सही बताऊं तो अंदर से बुरा लगता था, बट फेसबुक पे तो आपको पता है अपने मन की बात बोलने का क्या अर्थ होता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता था कि लोग बहुत ही वेट करते थे कि अब कुछ नया होगा। हम ये बस जानते हैं कि जिस वक्त आरसी ग्रुप अलग हुआ, उस टाइम पे एक साफ सुथरा कैंपेन चलाया जा सकता था अपने अपने ग्रुप्स के बारे में, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे कि आपको शायद पता हो, जब आरसी ग्रुप अलग हुआ था, उसके पहले जो मेन आरसी ग्रुप था उसमें एक आईडी थी जिसको लेके बहुत सारी बातें होती थी। अब वो आईडी का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, सारे लोग जानते हैं कौन था कौन नहीं था, वो आईडी का नाम ओरिजिनल कौन था मालूम नहीं अभी तक। फिर जब ग्रुप्स अलग हुए, अभी तक ढूंढ ही रहे उसको। तो फिर जब ग्रुप्स अलग हुए तो वो एक पोस्ट आया कि खुलासा होगा बड़ा, तो अब सब लोग खुलासे का इंतजार कर रहे थे कि भाई क्या खुलासा होने वाला है, कौन है, क्या है, पता चलेगा। तो नेक्स्ट डे खुलासा हुआ कि ये आईडी वही थे। तो अब समझ नहीं आता कि इस पे आदमी हंसे या रोए,
बिकॉज इट वॉज लाइक वो एक बीच में फेसबुक पे आया था वो रसोड़े में कौन था वाला मोमेंट रसोड़े में कौन था तो ये वैसे ही हो गया कि साइडी में कौन था वाला मोमेंट हो गया आरसी का वो तो फाइव टाइम्स द ड्रामा तो जहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी कि चलो भाई ठीक है जो हो गया सो हो गया अब इसको बंद करते हैं और कुछ नया करते हैं वहां पे वो वापस से वही खिचड़ी परोसी जा रही है। फाइनली फेसबुक वो ग्रुप बंद हो गया और नया बुक नया चैनल शुरू हुआ नया फेसबुक ग्रुप शुरू हुआ। तो हमने लगा कि चलो ठीक है दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है तो हमने इस बार दूध से तो जल चुके थे तो अब छाछ पीनी शुरू की। अब हमें क्या पता था कि छाछ भी जला देगी मतलब अब फैन आप से ही भेज रहे हो इनका डब्बा है पैकिंग में तो दबेगा ही इधर से मुड़ेगा उधर से मुड़ेगा। अब किसी फैन ने फोटो डाल दी तो टिन का डब्बा तो बहुत अच्छा था पैकिंग पे लात मार दी किसी ने इसलिए हो गया ऐसा होता है या हो जाता है बिल्कुल होता है। तो आप उस फैन को तो नहीं बोल सकते ना फैन तो आपको बोलेगा वो क्या कुरियर कंपनी से लड़ने जाएगा कि मेरा डब्बा क्यों तोड़ दिया तुमने ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इट्स इट मीन्स दैट इफ योर प्रोडक्ट इज गेटिंग डैमेज्ड एनीवेयर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट definitely not the fan who is paying for it so neither should he be tortured for it ke usne ye share kyun kiya। ab aise hi kisi ki phati hui CE aayi mere khayal se atankharta ki CE thi phati hui aayi thi kisi ki are 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 kya episode tha wo to group pe dala bhi tha and it was semi abusive language that was used I must say it was not worth it aur uske baad jo hua wo sabne dekha hi और एक बार फिर से वो आईडी गायब हो गई तो फिर ऐसा क्यों करना है व्हाट इज द पॉइंट। तो छाछ ने तो पूरा मुंह ही जला दिया इस बार पिछली बार तो बस जीभ ही जली थी। ये मुझे ये समझ नहीं आता ये पुशबैक क्यों मतलब आप क्या एक रिस्पांसिबल पब्लिशर नहीं है। अगर देखो लॉजिकल चीजें ऐसी होती है ना उसमें फेंका फाकी होती है जो थोड़ी डेलिकेट चीजें होती है इसलिए उनकी पैकेजिंग उतनी स्ट्रांग होती है बट कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी रहती है कि थोड़ा सा कहीं डैमेज वगैरह हो जाए लेकिन जो बायर है जो एंड यूजर है उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि आजकल आपको पता है कॉमिक्स जो हो गई हैं और जो कलेक्टिबल्स हो गए हैं चाहे वो टीन बॉक्स हो चाहे कुछ हो बहुत महंगे आने लगे हैं तो कॉस्ट इंटेंसिव थिंग मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इतना जा रहा है कि आपको थोड़ा सा भी अगर त्रुटि मिलती है कहीं पे या कोई सा भी डिफॉल्ट मिलता है बुरा लगता है बुरा लगता है। तो आप अगर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते तो मेरा मानना है थोड़ा सा एक्नॉलेज तो कर सकते हैं ना कि बिल्कुल परेशानी है बायर के एंड पे उसको दिक्कत पहुंची है आप नहीं तो और सबसे बुरी सबसे अजीब बात यह है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको सेलर्स ठीक भी कर देते हैं बदल भी देते हैं और जब आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो देयर इज नो नीड फॉर दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज बिल्कुल के व्हेन यू आर डूइंग गुड आई थिंक इट्स वेरी गुड कि अगर किसी का कुछ प्रोडक्ट फटा हुआ आए और उसको फिर सेलर्स बिना किसी सवाल जवाब के उसको बदल दे रहे हैं दिस इज अ रियली गुड I think service that is being provided. And I've seen two, three sellers, you know, taking up these issues responsibly. उन्होंने बकाया था, उसका संज्ञान लिया है, उन्होंने उसको वापस मंगवाई है, because तो अपने खर्चे में मंगवाई है. I know because I have been associated with comic family for some time, and I am seeing how they are working hard for this selling business, and not even single कस्टमर हैज बीन डिसअपॉइंटेड बाय दिस के मेरी कॉमिक्स फटी हुई आई और या मेरे कॉमिक्स के प्रिंट उल्टे पुल्टे थे और कॉमिक हवेली ने वो कॉमिक्स बदल के नहीं दी। तो इट्स अ रियली गुड सर्विस दैट सेलर्स आर प्रोवाइडिंग मे बी दे आर पेइंग फॉर इट मे बी द पब्लिशर्स आर पेइंग फॉर इट बट व्हेन यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स गुड थिंग्स देन व्हाई स्पॉइल इट विद समथिंग लाइक दिस और वो मैटर सॉल्व हो जा रहा है ठीक है वो देख रहे हैं जेन्युइन केस है वीडियो देख रहे हैं उसकी बात समझ रहे हैं उसको अटेंड कर रहे हैं और वो कॉपीज मैंने सुना है वो मतलब पब्लिशर्स के पास भी जाती हैं कुछ जो डिफेक्टेड पीसेस होते हैं या फिर कुछ डैमेज पीसेस होते हैं वो जाएगा ही उनके पास जाना ही होगा हां उनका जाना ही होता है और सर्टेन परसेंटेज जाती ही है जो टोटल प्रोडक्शन का होता है तो वो उसको रीयूज कर सकते हैं ओनली दे कैन रीयूज देम सेलर से घाटा उठाए भाई बिल्कुल सेलर भी तो मिडल मैन है एक तरीके का वो क्यों नुकसान उठाए तो बायर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सेलर का भी एक नाम रह गया कि हाँ भाई दिस सेलर इज गुड एज कम्पेयर टू अदर्स ही गेट्स आर कॉपीज आर डैमेज कॉपीज चेंज विदाउट एनी हैसल्स तो उसका भी एक नाम बन रहा है विच इज गुड बिल्कुल बिल्कुल जब आप ये सारा जब आप सारा मसला
सॉल्व कर दे रहे हो एमिकेबली, तो हल्ला गुल्ला करने की जरूरत क्या है, क्यों आप शब्द बोल रहे हो सोशल मीडिया पर? बिल्कुल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है उसकी। और आप देखिए, मतलब अगर मैं दूसरा एक पॉइंट पकड़ू, मतलब ये जो ये मैलिग्नेंट कैंपेनिंग का ही मतलब एक हिस्सा है, मैंने देखा कि कैंप ए और कैंप बी में ये जो मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी जो करी जाती है, कैंप ए और कैंप बी के जो सिरमौर हैं विच इज संजय गुप्ता एंड मनोज गुप्ता सर, तो इन दोनों को नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये दोनों क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़े हुए हैं तो इनका एक थोड़ा सा ग्रेस दिख जाता है। जो इनकी टीम में जो सो कॉल्ड लोग हैं जो इनके माउथ पीसेस बनकर आते हैं, आई डोंट नो वो ऑथराइज्ड हैं या सेल्फ प्रोफेस्ड हैं, बट वो टाइम टू टाइम आते हैं और नेटपिकिंग करते हैं, मतलब विपक्षी खेमे में अगर कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है, उसको पकड़ते हैं एंड देन दे मेक अ यू नो केस आउट ऑफ इट, थिंग आउट ऑफ इट, उसके ऊपर उसके ऊपर खूब चर्चा करवाते हैं कि जितने से जितना बुराई हो सके, जितने से जितने ज्यादा अगले आदमी का नुकसान हो सके, एंड देन वी विल फ्लरिश। मतलब देयर आर टू केसेस, एक तो वो बांकेलाल का जो सी आया था फर्स्ट एवर, उसका जो टाइटल पेज पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज अपॉल्ड टू सी कि मतलब कैंप ए से की टीम से दो तीन लोग बहुत ही मुखर होके इस बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, फिर कचरा पेटी आई, फिर वहां पे वो डोगा का वो जो एक डॉग को लेके काली माँ को लेके कंट्रोवर्सी हो गई, वहां पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, फिर सेम चीज दूसरे कैंप से हो गई, मतलब अननोन आईडी से भी कुछ चीजें आ रही हैं, प्रोपेगेट करी जा रही हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, यू बोथ आई मीन बोथ द कैंप्स बिकम द लाफिंग स्टॉक फॉर पीपल। इसमें इसमें लूजर वही है दोनों कैंप है, और फायदे में कोई भी नहीं है, अल्टीमेट फायदे में कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी तो जो लोग हैं फेसबुक पे इट्स ऑल राइट, क्योंकि वो कर सकते हैं डिस्कस, फैंस हैं, उनको कुछ बुरा लगा उन्होंने बोला, दूसरे फैन को उनकी बात बुरी लगी उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया। बट आई थिंक शुड बी डन के पब्लिशर्स के एंड से दे शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच कॉन्ट्रोवर्सीज, देर इज नो यूज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस इफ यू आर डूइंग, इफ यू आर डूइंग सम गुड वर्क एंड एट दैट पॉइंट आई वुड लाइक टू रियली से समथिंग के अनुपम सर को मैं इसमें बहुत ही ज्यादा प्रेज करना चाहूंगा कि इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज से ही सो फार अवे कि देयर इज कुछ भी नहीं है, एकदम ही सो डेडिकेटेड टू हिज वर्क दैट ही डजंट केयर। बिल्कुल, मैंने उनके ना चैट कॉन्वर्सेशन या जो फेसबुक में जो थ्रेड्स बनते हैं उनके पोस्ट पे मैंने बहुत फॉलो किए और मैं देखता हूँ कि उनको भी मतलब पुल डाउन करने वालों की कमी नहीं है। बिल्कुल 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 कोशिश करते हैं इनसाइड करने की। हाँ, और लेकिन उनका जो तरीका है डील करने का मेरे को बड़ा पसंद आता है, मतलब वो तब तक आपको जवाब देते हैं जब तक आप एक गरिमामय तरीके से बात कर रहे हैं। जहां आपने लाइन क्रॉस करी, मैंने उनको देखा बहुत अच्छे तरीके से वो अपने आप को वहां से विथड्रॉ कर लेते हैं। मतलब ठीक है, सुपर कमांडर ग्रुप के राइटर ऐसे ही थोड़ी है, बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने, बहुत कुछ उनकी राइटिंग से सीखा है। मतलब उन्होंने तो, क्या बोलते हैं, लर्निंग्स बहुत अच्छी दी हैं और यहाँ भी दे रहे हैं अपने तरीके, यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं कैसे डील करो। इसी का एक्सटेंशन ही है कि जो दो पार्टीज आपस में कर रही है, वो मैंने ये चीज देखी कि जो हम कलेक्टर्स एडिशन जो लेते हैं और जो पेपर बैक जो डाइजेस्ट वगैरह आती है उनमें भी जो ग्रीन पेजेस आते हैं, बहुत मतलब वी एज रीडर्स एंड एज फैंस वी लुक फॉरवर्ड टू दीज ग्रीन पेजेस, क्योंकि हमें काफी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती थी पिछले 25-30 सालों से हम फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक ये ग्रीन पेजेस का चलन लेट 90s में हुआ उसके बाद से ये काफी परवान चढ़े, मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि बहुत पसंद किया जी एज अ रीडर। हाँ, एज अ रीडर हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब राइटर जो होता है जो कहानी लिख रहा है, व्हेन ही इज इन द थ्रोज ऑफ राइटिंग दोज थिंग्स दोज स्टोरीज, तो उसके माइंड में क्या क्या चीजें आई, कैसी कैसी परिस्थितियों का उसने सामना किया, कैसे उसने देखा कि मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन का कैसे सामना किया उसने, बिल्कुल, और क्या इसने उसको प्रेरित किया, उसने वो कहानी लिखी फिर स्टोरी वॉज रिटन। यस यस यस, तो पूरा मसाला उसमें लिखा रहता था, तो बहुत मजेदार होता था जी। तो लेकिन अब क्या होने लगा है, जब से ये दो फाड़ हुए तो ग्रीन पेजेस के साथ बहुत छेड़छाड़ होने लगी है, मतलब दे आर ट्राइंग टू टिंकर विद द हिस्ट्री, इतिहास बदल रहे हैं वो, नाम बदल रहे हैं वो, ये मैंने लिखा था, ये उसने नहीं लिखा था, ये मेरी क्रिएशन थी, ये उसकी क्रिएशन नहीं थी। और वो क्या था, वो राजा जी वाला, वो तो अलग ही मसला बना था
असली राजा मतलब, कौन, असली राजा कौन, मतलब दैट्स अ मूट क्वेश्चन। सबने सब पढ़ा है, आज से नहीं जब से रिलीज हो रही थी तब से, मोस्ट ऑफ अस आर इन आवर थर्टीज, तो जो थर्टीज में है उन्होंने तो नागराज ध्रुव बाकेला लेट थर्टीज इसीलिए मैंने अर्ली या लेट नहीं बोला क्योंकि जो है उन्होंने सबने स्टार्टिंग से नागराज ध्रुव और डोगा और बाकेलाल ये सब पढ़ा है स्टार्टिंग से, और उनको कुछ पता है थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली अंदर की बात तो सारी नहीं मालूम है, बट जो उनको उस समय पता था उनके लिए वही सही है। और फिर अब आप कुछ नया बताओगे तो लोगों को फिर या तो अभी आप पर शक करेंगे या पहले के वाले काम पे शक करेंगे, तो दोनों में गलत तो आप ही साबित हो रहे हो ना साहब, कि पहले आपने झूठ बोला और अब आप सच बोल रहे हो, तो जब पहले आप पे हमें विश्वास किया था तो अब क्यों करें, या फिर पहले सच बोल रहे थे तो हमने आप पे विश्वास किया था, अब आप जो बोल रहे हो अगर आप पे विश्वास करेंगे तो पहला वाला सच झूठ हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया शायद। बट नहीं, पॉइंट ये है, कंफ्यूजिंग नहीं हुआ, आप कुछ भी प्रूफ करो, मतलब पब्लिशर कुछ भी प्रूफ करे वो एक जगह तो गलत साबित होगा, एक जगह तो गलत साबित होंगे, तो आप किसको गलत साबित कर रहे हो, चीटेड फील करेंगे, फैंस को थोड़ी बेवकूफ बना रहे हो आप, फैंस तो जो है सो है। और हम मतलब इस तरह के कॉन्वर्सेशन नहीं होते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये सकारात्मक तरीके से उनको सोचने पे मजबूर करेंगे, नहीं वहां आगे कहानी चलेगी। ये तो जो हो रहा था सो हो रहा था, मतलब सबसे बुरी बात तो मुझे वो लगी कि जब नई कॉमिक्स छपी और उसमें सबका नाम हटा दिया, अरे वो दैट वाज द लोएस्ट पार्ट, लोएस्ट वन इन द हिस्ट्री ऑफ आरसी दैट आई कुड थिंक ऑफ, दैट इज रियली बैड, इट शुड नॉट हैव बीन डन। अगर स्टार्टिंग में वो था तो आपको रिप्रिंट में सैंक्टिटी मेंटेन करनी चाहिए थी। That is just... मतलब क्यों किसी राइटर को इवन फॉर रिप्रिंट्स, मतलब रिप्रिंट्स आ रहे हैं, मतलब रिप्रिंट्स मतलब ये नहीं होता कि कहानी बदल गई है, कहानी वही है, ठीक है, बिल्कुल। तो क्यों एक राइटर को अपना हक मांगना पड़े कि भाई वो मेरी कहानी मेरी लिखी हुई है, क्यों ऐसा क्यों हो? मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़े? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि ये सच्चाई है आज की, और ये बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, न सिर्फ प्रिंट मीडिया में बल्कि हर तरह के मीडिया में। तो राइटर्स तो भैया खिलौना है, आपने कहानी लिख दी और आपने बेच दी और आप भूल जाइए कि वो आपकी थी, यही होता है, यही हो रहा है, और तो मतलब फैंस को बुरा लगता है। लास्ट पॉइंट ऑन दिस मैलिग्नेंट कैंपेनिंग पार्ट, डॉक्टर साहब ये मेरा फेवरेट पंचिंग बैग है, ये जो टॉपिक है, ये जो सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन या ये कहूँ की सेल्फ प्रोफेस्ड माउथ पीसेस होते हैं, हाँ, ये भाई साहब ये क्या मतलब क्या कहते हैं, ये किस बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं, मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं? आप ये देखिए, मतलब दीज आर द वंस हु आर डूइंग मोर हार्म देन गुड, ठीक है, चाहे वो संजय गुप्ता जी के कैंप से हो, चाहे वो मनोज गुप्ता जी के कैंप से हो। दिक्कत कहाँ आ रही है, ये एज अ फैन जाके इनकी मुलाकात होती है, आई डोंट नो वेदर इन फिजिकल फॉर्म और इन यू नो ओवर द फोन और व्हाट, बातचीत हो गई, अच्छी बात है, देन दे वांट टू डिराइव सम इम्पोर्टेंस आउट ऑफ दैट मीटिंग और दैट फोन कॉल कि मैं इतना क्लोज हूँ उस कैंप से, ठीक है, एंड देन द थिंग कंटिन्यूज और वो नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाता है। इतने सारे ग्रुप्स हैं डॉक्टर साहब, काफी ग्रुप्स, तो हम लोग कॉमन पार्टिसिपेंट्स भी हैं, जी जी, तो आप देखते हैं वहां पे कोई भी बात होती है, अगर मान लीजिए संजय गुप्ता जी की कुछ बुराई हो रही है, कुछ कॉमिक्स लेके या कुछ अदर कुछ भी, ये भाई साहब बीच में कूद पड़ते हैं बिना किसी इनविटेशन के, ठीक है, वहां पर जाके वो डिफेंड करेंगे, चलो अच्छी बात है, मैं ये मान सकता हूँ आप एज अ फैन डिफेंड कर रहे हैं, बाकी सब नकारात्मक सोच के, आप एक सकारात्मक सोच वाले आदमी, आपने डिफेंड कर दिया, बट देन दिस गाय इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, ही गोज कपल ऑफ स्टेप्स अहेड of doing just that thing which is defending Sanjay Gupta, वो बोलता है कि नहीं, वो और जाके दलीलें पेश करने लग जाता है उनके वकील की तरह कि ऐसा वैसा, और वो लड़ने लग जाता है, वो जो अगला आदमी ने क्वेश्चन किया था वो जेन्युइन भी हो सकता है कि भाई बिल्कुल हो सकता है, ऐसा सब बिल्कुल सकता है, वो सुना तो है, नहीं नहीं जेन्युइन तो वो आदमी भी हो सकता है, जेन्युइन तो वो आदमी भी हो सकता है जो लड़ रहा है, कोई उसमें शक नहीं है, जेन्युइन कोई भी हो सकता है,
मैं क्या आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये आप नहीं जानते, मैं बैठा हूँ आपके सामने आरसीडीस कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि मैंने जिंदगी में कोई कॉमिक्स पढ़ी ही नहीं, चार पांच नाम पढ़ लिया हूँ और आपके साथ बैठ के उसको क्या बोलते हैं मुंबईया भाषा में डेढ़ शाणा बन रहा हूँ। तो कोई भी जेन्युइन हो सकता है एंड आई डोंट माइंड कि एक आदमी एक ग्रुप को डिफेंड करे और दूसरा दूसरे ग्रुप को डिफेंड करे, आप उनको पसंद करते हैं करिए डिफेंड नो प्रॉब्लम, बट डिफेंस मेरे ख्याल से इसके लिए वर्ड है, मैंने नॉवेल में लिखा है कि अगर आप किसी के स्वामी भक्त होते हैं जो सिंपल भाषा में कहें तो स्वामी भक्ति की भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप वो स्वामी भक्ति की लिमिट क्रॉस कर जाइएगा उस दिन आप उस आदमी का जिसके आप भक्त हैं उसका भला करने से ज्यादा आप उसकी बुराई करने लगेगा, उसको बुराई करेंगे। हाँ, तो स्वामी भक्ति भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। और ये मेरी नॉवल का एक लाइन है और मैंने अपने नॉवल में डाला क्योंकि मुझे उस वक्त ये लाइन बहुत अच्छी लगी, दिमाग में आई तो मैंने सोचा चलो यूज करें, बट ये रियल लाइफ में भी उतना ही है। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो कुछ भी हो। अब मैं इन भाई साहब को इसलिए पकड़ रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भाई साहब इनका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और काफी हमारे जो कॉमिक्स पढ़ने वाले मित्र लोग हैं, बहुत छोटा सा हमारा वर्ल्ड है, दे ऑल्सो नो अबाउट दिस स्पोक्स पर्सन। तो ये भाई साहब का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है, ये रिप्रेजेंटेटिव है उन और भाइयों के जो भी इसी सिमिलर सोच रखते हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं, अगर किसी बायर ने फोरम पे या किसी व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी शिकायत दर्ज करी कि फोटो खींची भाई साहब देखिए क्या मेरे साथ हो गया अत्याचार, मेरे को एक 2000 रुपए की मैंने कॉपी ली, बहुत वॉल्यूमनस सीरीज होती है और वो उसकी बाइंडिंग इस तरह से चीर फाड़ो के मिली है, उससे ग्लू भी छटका हुआ है, मतलब इट्स अ क्लियर केस ऑफ द प्रोडक्ट नॉट कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री इन अ प्रॉपर मैनर रादर देन यू नो कि ट्रांजिट में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। बिल्कुल। अब ये जो भाई साहब है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये कूद पड़ते हैं बीच में बिना इन्विटेशन के, ये कहते हैं नहीं जी आप गलत हैं, आप सरासर गलत हैं, देखिए आपने जो फोटो भेजी है उसमें साइड में हमको कटर भी दिख रहा है, इसका मतलब आपने फाड़ी है और आप मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं सो एंड सो कैंप को। देखिए ये क्लियर कट केस है जहां पे इम्पोर्टेंस गेन करने की कोशिश की जाती है और कुछ नहीं, एंड आई डोंट थिंक मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो इम्पोर्टेंस गेन करने के मामले में हमेशा पीछे ही रहता हूँ तो मुझे तो आइडिया ही नहीं, बट मतलब आई गेट इट, मतलब वही तो कह रहा हूँ शुरुआत में बोल दिया था कि वो दे ड्रॉ सम सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस आउट ऑफ इट, लेकिन आजकल की लोग इतने समझदार हैं दे कैन सी थ्रू थिंग्स, उनको पता कि भाई ये आदमी मतलब ही इज ऑल टॉक, क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसको खुद नहीं पता। इंतजार तो तब हुई जब आपने देखा उसने कुछ दिन पहले कैसे कुछ टाइम हो गया पहले बोला कि वो इस हद तक चला गया डिफेंड करने की, मतलब वो खुद भूल गया कि वो हद पार कर चुका है, उसने बोला कि भाई साहब आपकी सी फटी नहीं है कलेक्टर एडिशन, ये दरअसल काम है उन खुराफाती ताकतों का जो कि राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता के प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं और वो दूसरे खेमे से हैं, मतलब वहां पे मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया जब मैंने वो खतरनाक रीजनिंग सुनी, मतलब मैं वो क्या कहते हैं किंग करते विमूढ़, मैंने कहा क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मतलब आई वॉज मतलब इचिंग सो हार्ड फ्रॉम इनसाइड कि मैं कुछ बोलूं, अभी बोल दीजिए ऐसा हाँ बोल रहा हूँ ऐसा बेसलेस ऐसा सेंसलेस ऐसा मतलब इलॉजिकल वे में कोई चीज रखी गई बात मैंने आज तक कहीं नहीं सुनी। वो अगला बंदा ने सिर्फ आप भाई देखो डॉक्टर साहब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स में, हर एक कंपनी जो अपने उपभोक्ता के लिए एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी के तौर पर जानी जाती है वो अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशनशिप वाला डेस्क बनाती है। अब वहां पे प्रॉब्लम्स जो भी ग्रीवेंसेज आते हैं कस्टमर के कैसे अटेंड किए जाते हैं, दो तरीके, एक तो आप नकार दो वो तो केस को और खराब कर देगा, एक तरीका ये सबसे अच्छा मेरी नजर में कि सपोज आप का कोई ग्रीवेंस है आपने मेरे पास रखा और मैंने उसको एक्नॉलेज कर लिया छूटते ही, मैंने शुरुआत में ही आपकी बात सुनी पूरी कि डॉक्टर साहब बताइए क्या समस्या है, अच्छा ये हो गया ऐसा हो गया ठीक है, उसको एक्नॉलेज किया और फिर मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि हम उसको देखेंगे उसको इसकी जांच पड़ताल करेंगे और उसको डेफिनेटली एक सही तरीके से इसको अटेंड करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको अश्योरेंस दे दिया तो आपका आधा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तो वहीं निकल गया, फिर आप भी ठंडे दिमाग से बात करोगे मेरे साथ और फिर हम इसको अच्छे वे में बात करेंगे और फिर सोल्यूशन निकालेंगे।
इतना तो बेवकूफ कोई है नहीं कि उसको दिखे ना, इतने बेवकूफ लोग हैं नहीं कि उनको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। अब एक आपकी एक कॉमिक्स आई तोसी के साथ और दूसरे ग्रुप की एक कॉमिक्स आई तोसी के साथ नागराज की, और उसका कंपैरिजन हो रहा है आपके ग्रुप में, और उसके बाद ऐसा कंपैरिजन होता है कि कमेंट्स जब आने लगते हैं तो आपको कमेंट्स ऑफ करने पड़ते हैं। तो आई थिंक जब कमेंट्स ऑफ ही करने थे तो स्टार्ट ही नहीं करना था, तो इतना तो इन भाई साहब में एक चीज अलग है डॉक्टर साहब, इन भाई साहब में एक चीज अलग है। आई एम नॉट हियर फॉर एनी पर्सनल अटैक्स, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट वॉइस बनते जा रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ सेलर्स का संरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, वो इनको उतना तूल दे रहे हैं जितना देना नहीं चाहिए। एंड माफ कीजिएगा, ये वो सेलर्स हैं जो कि आज की डेट में टॉप थ्री में आते हैं, तो उनको इस चीज से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये भाई साहब खुले में बोलते हैं कि कोई समस्या आती है। अच्छा मुझे बताओ, मैं अभी मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है संजय सर से, मैं बात करके आपको बताता हूँ। हाँ अभी मैसेज करके बताता हूँ, मतलब व्हाट काइंड ऑफ फुलिशनेस इज दिस। अब ये तो सर ही ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि कितना कॉन्टेक्ट नहीं है, हमें क्या पता। तो बोलने का मैंने बोला ना कि मैं आपसे बैठ के आरसी डिस्कस कर रहा हूँ, क्या पता मैंने आरसी की कितनी कॉमिक्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है, चार नाम पढ़ के आ गया हूँ। तो पर्दे के पीछे क्या पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये किसी को मालूम नहीं होता, इसीलिए सिर्फ लोग इन्फ्लुएंस बनाते हैं। तो आई थिंक कि इस टाइप के जब इतना खुलापन है सोशल मीडिया पे आज की डेट में, तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी जितना क्लियर आप हो सके उतना क्लियर। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग कि मैं ये सॉर्ट आउट करा दूंगा और मैं ये वो बता दूंगा कि ये कब होने वाला है वो कब होने वाला है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके लिए मना किया हुआ है। अरे यार बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट आने वाला है भाई साहब, हु आर यू किडिंग मैन, बॉम्ब बन रहा है बॉम्ब। आई मीन हु आर यू किडिंग यार, वी आर नॉट चिल्ड्रन एनीमोर। वो था ना पहले टीवी में ऐड आता था कि बबल गम के साथ टैटू स्टिकर मिलेगा, और टीवी के स्क्रीन पे इतना बड़ा बड़ा दिखता था, ऐसा लगता था कि अरे बाप रे इतना बड़ा टैटू, और आता था इतना सा। वो बचपन में ठीक था, वो अब नहीं चलेगा वो, तो अब आपके बायस भी बड़े महसूस करते थे बचपन उस वक्त ना, वो पहले पता नहीं होता था, ठगावा महसूस बाद में करते थे लेने के बाद, लेकिन अभी तो आपके बायर्स बच्चे नहीं है सर, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप माउथपीस हो, चाहे आप पब्लिशर हो, चाहे आप सेलर हो, आपके बायर्स बच्चे नहीं है, एंड दे हैव सीन एनफ ऑफ लाइफ के टू अंडरस्टैंड के व्हेन यू आर फूलिंग देम, है ना, एंड इफ दे आर गेटिंग फूल्ड ऑन पर्पस दे आर डूइंग इट बिकॉज दे वांट समथिंग, एंड जिस दिन उनका डिमांड खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने पिछले डिस्कशन में बोला भी था कि रिप्रिंट्स आप कब तक छापोगे, कितनी सीरीज छापोगे, एक दिन रिप्रिंट्स खत्म हो जाएंगी, फिर कौन लेगा आपकी सीरी, एंथोनी की ओरिजिन सीरीज की सीरीज निकाल के देखना कितने लोग खरीदते हैं। हाँ, I'm telling you, उनको भी पता है, इसलिए वो उसको लिमिटेड वे में निकाल रहे हैं। देयर आर गुड स्टोरीज, कोई भी कंपनी में सब सारी स्टोरीज अच्छी नहीं होती, और आप सबको क्रिएट भी नहीं कर सकते दोबारा ये बोल के कि ये कलेक्टर्स एडिशन है, तो चाहे कितनी भी घटिया स्टोरी हो आप ले लो, रोड रोलर कितने लोग खरीदेंगे कलेक्टर्स एडिशन, हाहाकार परमाणु की कितने लोग खरीदेंगे कलेक्टर्स एडिशन को, तो भाई साहब तो हो सकता है कुछ लोग खरीद भी ले, बट कितने, 1,000 2,000 बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो। सो हु आर यू किडिंग, यू आर फूलिंग योरसेल्फ कि ये बहुत दिन तक चल पाएगा, एंड देर इज नो पॉइंट। फिर आप फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बोलोगे कि मेरे जिसको मेरे ग्रुप के खिलाफ ऐसे साजिश की जा रही है, कोई साजिश नहीं कर रहा साहब, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आरसी बंद भी हो जाती 6 महीने पहले, अगर आरसी बंद भी हो जाती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था, लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, आने लगी तो लोगों को अच्छा लगा और खुशी से जुड़े उनके साथ। तो अगर खुशी से कोई किसी से जुड़ता है तो इट्स ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है कि आप उनको खुशी दो, आप उनको गधाधारी ऐसे आरोप प्रत्यारोप मत करो। फिर फेसबुक उस पे लोगों को बैन किया जाता है और ये किया जाता है, क्या मिलता है ये सब करके, कुछ नहीं मिलता। तो बैन शब्द अपने आप इतना नेगेटिव है ना, खैर वो दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। लेकिन अगर हम इस मैलिग्नेंट कैंपेनिंग वाले जो टॉपिक को अगर हम एक समराइज करें, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब की, मतलब जो राइटर है, राइटर एक क्रिएटिव फील्ड से होता है, तो उसकी कुछ गरिमा होती है। एक देखिए, एक लाइन बहुत ही सिंपल है, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी मिलेगी, चाहे आप कोई भी हो, और अगर चाहे आपको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो, तो चाहे वो फैंस को दो, चाहे वो सेलर्स को दो, चाहे वो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स को दो,
चाहे आप राइटर होकर अपने पब्लिशर को दो, पब्लिशर होकर अपने राइटर को दो, बिना रेस्पेक्ट के ज्यादा दिन चलता नहीं है मामला। तो आई थिंक ये एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये स्पोक्स पर्सन इतने आगे बढ़ जाते हैं लोग के, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है उसके लिए बुरा बोलने लगते हैं। तो बिल्कुल, तो आरसी को, आरसी किसी किसी एक बंदे की नहीं थी कभी भी। आरसी को क्रिएट करने में, आरसी जिस जगह पे पहुंची उसमें सबका हाथ था, सारे क्रिएटर्स, सारे एडिटर्स, एवरीवन, एवरी आर्टिस्ट, एवरी सिंगल मैन हु रोट अ सिंगल स्टोरी फॉर आरसी गेट्स द क्रेडिट। अपना क्रेडिट तो सबको मिलना चाहिए। वो एवेंजर्स में टोनी स्टार का डायलॉग है ना, 12.5%, 14.5%, कुछ तो परसेंटेज सबका होगा ना क्रेडिट का। तो क्रेडिट तो सबको मिलना चाहिए, दैट इज, और अगर किसी को 1% भी क्रेडिट मिल रहा है तो आप उसकी बुराई नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि उसके उस 1% के बिना क्या पता आप कहाँ होते। आई थिंक इट्स बेटर कि नया नया जमाना है, नई दुनिया है, नया कॉमिक्स छाप रहे हो आप, उसमें लगो। राइट डॉक्टर साहब, 1% रह जाए तो फाइल डाउनलोड नहीं होती है। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्रेडिट देना चाहिए ना। तो चलिए आप एक फाइनल हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कुछ तो रैप अप करेंगे, बहुत टाइम ले लिया हम लोगों ने। फ्यूचर ऑफ इनकम्प्लीट सीरीज जी, कुछ नाम मैं लूंगा आपके सामने डॉक्टर साहब, फिर आपकी आपसे जुड़ के आपकी राय लूंगा। ये सर्वनायक सीरीज हो गया, सर्वनायक विस्तार हो गया, क्षतिपूर्ति सीरीज हो गया, ये तीनों सीरीज बहुत ही लाजवाब थी, बहुत ही कमाल की, पढ़ने में बहुत आनंद आया, लेकिन इनके कंक्लूडिंग पार्ट्स नहीं आए मार्केट में, विच लेड टू अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हम लोग। और कुछ और नाम और मैंने लिस्ट डाउन करे, ये वो नाम है जिनकी बहुत शोर शराबे के साथ, बहुत धड़ल्ले के साथ इनका पब्लिसिटी की गई थी कि आएंगी, लेकिन आए नहीं। इनका नाम है शक्ति रूपा महानागायन, स्वामी भक्त रखवाले डुगा की थी, शील भंग हमारे दाढ़ी वाले नागराज, आई वाज सो एक्साइटेड टू सी हिम, सो एक्साइटेड, और वो पुनरुत्थान। तो क्या हुआ इन सबका, क्या कहेंगे आप? इनका इंक रुक गया, इंक रुक गया। प्रिंटिंग प्रेस तो आ गई बट इंक रुक गया। अरे बाबू, ऐसा है ना कि सर्वनायक सीरीज और बाकी जो विस्परस्त वाली सीरीज आ रही थी और विस्तार वाली जो सीरीज आ रही थी, वो बहुत ही टाइम टेकिंग सीरीज हो रही थी। मतलब साल की दो कॉमिक्स इज टू स्लो, और मे बी उस टाइम पे उतना ज्यादा रीडर बेस खत्म हो गया था आरसी का, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीद नहीं रहे थे कॉमिक्स, और जो आरसी अपने ऐप से बेच पाती थी उतनी ही निकलते थे कॉमिक्स, तो बेसिकली जनरेशन नहीं था रेवेन्यू का उतना, इसलिए स्लो जा रही थी सीरीज। बट जब अलग धीरे धीरे बढ़ रही थी अपने कंक्लूजन की तरफ, तो हम खरीद रहे थे, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने तो सर्वनायक की स्टार्टिंग के 3-4 छोड़ के बाकी सारे पब्लिशिंग के साथ ही खरीदे, क्योंकि अच्छी लग रही थी सीरीज ऑब्वियसली, एंड मजा आ रहा था। I loved it. तो लास्ट के दो पार्ट में वो दिख रहा है कि दे आर लूजिंग इंटरेस्ट इवन द मेकर्स, तो स्टोरी की का लेवल ऐसे जा रहा था, वो इंटरेस्ट नहीं पकड़ पाए, क्योंकि अब मोस्टली इसका रीजन तो यही है साफ, जैसा कि पता चल रहा है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि डिवीजन हो गया और ये प्री डिवीजन आरसी की कॉमिक्स थी, तो कौन छापेगा इस पे कुछ कंसेंसस नहीं बना, इसलिए ये सीरीज ड्रॉप कर दी गई। और सच बताऊं तो दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। तो इसका अगर एक रीजन ये भी हम मान लें कि पहले जो था सारा, मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट हुआ करता था, अर्लियर इट यूज्ड टू बी नथिंग एल्स बट जस्ट वन टीम, तो अब जब ये अलग अलग हो गए तो वो भी एक बहुत रीजन कई बार सामने आता है कि इस रीजन से नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट टीम्स बढ़ गई हैं, तो उस वजह से, और कुछ लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी है जो इसको कंटिन्यू कर से कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो वही प्रॉब्लम है ना कि छापे का कौन, दोनों की अपनी अलग अलग कंपनीज हो गई है, तो अब मान लिया जैसे सर्वनायक संजय सर ले लेते हैं, तो फिर मनोज सर को ये होगा कि ये पुरानी सीरीज थी, ये तो अब बिकेगी तो मैं क्यों ना छापूं। सेम फॉर दी अदर साइड, अगर वो ले लेते हैं तो इनको लगेगा कि ये तो पुरानी सीरीज थी, इसको तो लोग खरीदेंगे, मैं क्यों नहीं छापूं। तो अब ये तो ऐसे लॉग जैम टाइप का है कि छापना इस
लिख तो देखिए लिख तो राइटर तो फिक्स ही थे, नितिन सर लिख रहे थे, सर नायक और विश्वरस भी, तो इट वाज गोइंग गुड, रियली गुड, एंड वी ऑल वांटेड टू सी द एंड। प्लस जो अनअनाउंस सीरीज थी, सॉरी अनाउंस सीरीज थी, जो जो जैसे कि शक्ति रूपा आई आपकी बालचरित के आगे का, क्योंकि बालचरित के एंड में अनुपम सर ने छोड़ दिया बीच में कि शक्ति रूपा के मंदिर है करके, और फैंस को लगा कि अब तो अगली सीरीज शक्ति रूपा ही आएगी, और अब शक्ति रूपा का कोई नामो निशान नहीं, तो अब फिर ध्रुव की नई कहानी शुरू हो जाएगी। एक ध्रुव को रिबूट कर रहे हैं, एक ध्रुव को रिबूट करके बीच में छोड़ दिया ज्वाला लगा के, और टॉपिक छेड़ दिया मैं इतना दबाने की कोशिश करता हूँ, आप फिर उसको शुरुआत में देखिए, ये जैसे ज्वाला भभकती है ना, वैसे ये सब दिल की बात है, जो बुरी लगती है तो निकल जाती है और कुछ नहीं। हम फैंस का एक ही काम है, कॉमिक्स खरीदना और आपको सपोर्ट करना, और जो कॉमिक्स हमने खरीद लिया अगर आप उसको एंड तक कहानी को नहीं पहुंचाइएगा, इसका मतलब है कि आप हमको धोखा दे रहे हैं। और यस यस दिस डजंट गो धोखा के तरीके से देखिए, मतलब आजादी की ज्वाला, मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मतलब चलो ठीक है, कहानी पसंद नहीं है लोगों को, नहीं चली, होता है, अच्छी बुरी हर तरह की फिल्में बनती है, बट एक बात पब्लिशर्स को नहीं भूलना चाहिए कि इवन बैड स्टोरीज यू नो नीड एंडिंग, उसको एक सही तरह कंक्लूजन तक ले जाना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अर्लियर मतलब पहले आपने सोचा था कि आप इसको 3 पार्ट की सीरीज बनाएंगे या 5 पार्ट की सीरीज बनाएंगे, अभी आपको लग रहा है कि 1 पार्ट के बाद लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, तो वाई नॉट चेंज योर टैक्टिक अ बिट, अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करो, और फिर टैक्टिक मतलब आप 3 के बदले सिर्फ 1 पार्ट लेके आओ, इट कुड बी अ डाइजेस्ट ऑल्सो, और वो उसका सेकंड और कंक्लूडिंग पार्ट होगा, और खत्म करो। नोवेल कोई पार्ट्स में थोड़ी छापता कि 600 पेज की नोवेल लिख दिया तो मैं 60 पेज ही छाप के देखता हूँ लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बाकी के ऐसे कहाँ होता है, 540 पेज में बाद में छापूंगा, ऐसे होता मतलब है। मतलब आपको तो अपने प्रोडक्ट में इतना भरोसा होना चाहिए अपनी कहानी पे कि यू कैन टेक देम बाय सरप्राइज, बिल्कुल, तुम्हें फर्स्ट पार्ट डिसअपॉइंटिंग लगा, अब देखो क्या है, इस स्टोरी का जो मीठी पार्ट है वो तो यहाँ था सेकंड पार्ट में। फायदे नुकसान से उठकर एक चीज होती है भरोसा, आप वो भरोसा मत खोइए पाठक का, अगर आपने कोई कहानी पूरी बतानी है आप आधे में छोड़ रहे हैं तो इट्स लाइक चीटिंग विद योर यू नो रीडर्स, तो आप वो पार्ट अपना एक भरोसा कायम रखिए उनमें। और ऐसा बहुत बार होता है, अगर आप वेस्टर्न पब्लिशिंग हाउसेस की कहानियां देखें तो ऐसी बहुत से सुपर हीरोज है जिनकी कहानी को कोई पूछता भी नहीं था, और फिर कोई एड ब्रूबेकर जैसा बंदा आता है और वो एक ऐसी कहानी लिखता है कि वो हीरो सारी दुनिया में फेमस हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक टाइम था जब डेविल को कोई नहीं जानता था, बिल्कुल बिल्कुल, बट पूरा किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से बता रहे हो कोई कहानी को, ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम आप पुरानी सीरीज को कंप्लीट करने में लगाइए, जी बिल्कुल, रीडर्स विल बी यू नो माइटी हैप्पी, पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, बिल्कुल, आप बोलो 3000 कॉपीज के हिसाब से निकालोगे मार्केट में, वो 6000 के हिसाब से आपको मार्केट देंगे, डिमांड उतनी आएगी, बिल्कुल, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज अनफिनिश्ड स्टोरीज, तो वही बात है कि आप प्लीज लेके आइए, हम खरीदेंगे, हम पढ़ेंगे, लेकिन फिनिश करिए प्लीज, बिल्कुल, एंड देन वी कैन लुक फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। तो चलिए डॉक्टर साहब, आज इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं, इस एक पार्ट को, बहुत बातचीत हो गई है और घर वालों की तरफ से भी सिग्नल आ रहे हैं तरह तरह से, तो बहुत अच्छा साथ निभाया आपने पिछले 2 एपिसोड्स में, और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी फर्स्ट एपिसोड के बाद से, तो मुझे लगा कि मेरा ये एफर्ट मतलब थोड़ा वर्थवाइल हो गया कि पहले गेस्ट के तौर पे आपको आमंत्रित किया, और बड़ा फ्रूटफुल रहा, धन्यवाद आपका। हाँ, और ऐसी किसी और इश्यूज या कुछ टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे फ्यूचर में, होपफुली जल्दी। कॉमिक्स बहुत है, कहानियां बहुत है, बात करने के लिए बहुत कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जल्दी मिलेंगे, और तब तक ले आप लगाइए थोड़ा सा अल्प विराम समझ लीजिए इसको, जी तो बिल्कुल मिलते हैं फिर आपसे जल्दी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार सर। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने इस 2 एपिसोड की सीरीज का समापन यहीं करते हैं, और जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, कुछ नए मेहमानों के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।